गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी, जहां हम करते हैं शेयरों की खोज फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर और स्ट्रॉन्ग शेयर्स ढूंढकर उन्हें खरीद कर रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक के लिए मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अगर ये चैनल आ रहा है आपको पसंद तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट्स अगर ये वीडियोज़ किसी भी तरह से आपकी मदद कर रहे हो। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर बार जब भी नया वीडियो आता है आपको उसकी जानकारी मिल सके। वो निवेशक जो मार्केट के बारे में पढ़ना और सीखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक दिए गए हैं, इन लिंक्स पर जाकर आप इनका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज करके हमारे मॉडरेटर्स आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि आप ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर नहीं होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए इस सेशन को, हैप्पी इन्वेस्टिंग। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज का ये हमारा सेशन हमारी फंडामेंटल एनालिसिस एक्सप्लेन्ड जर्नी का ही अगला वीडियो है फ्रेंड्स, और वीडियो नंबर है 9, जिस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल सीधा सा टॉपिक है, नाम है शेयर कैपिटल। अभी तक आपने देखा कि शेयर्स के फंडामेंटल एनालिसिस करते समय हमने जिन टॉपिक्स को कवर किया वो उसके ओवरव्यू के अंदर थे। आज सबसे पहला टॉपिक है जो कि उसकी बैलेंस शीट के सबसे पहले पार्ट को कवर करने जा रहा है। बैलेंस शीट का सबसे पहला टॉपिक जो कि है शेयर कैपिटल। इस पूरे सेशन के दौरान हम जो बातें ध्यान में रखने के लिए सीखेंगे वो होगी कि शेयर कैपिटल क्या है, शेयर कैपिटल का एक रिटेल निवेशक के तौर पर आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, शेयर कैपिटल के घटते क्रम और बढ़ते क्रम का एक निवेशक होने के नाते आपके लिए क्या मायने हैं। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स कि आखिर शेयर कैपिटल है क्या। और जैसा कि इससे पहले भी हमने आपको बताया है कि हमेशा याद रखिए, फाइनेंशियल सेक्टर के टर्म्स हमेशा कठिन इसलिए रखे जाते हैं ताकि आम निवेशक या आम आदमी उसे सरलता से समझ ना सके। ये एक प्री प्लान टेक्निक है जिसके तहत फाइनेंस को कुछ लिमिटेड लोगों के हाथों में ही सीमित रखने की कोशिश की गई है। सो ध्यान से सुनिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं XYZ किसी कंपनी का एक मालिक हूं और आज की रेट में अपनी कंपनी के एक्सपेंशन के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो मेरी कंपनी के टोटल 100 शेयर्स, हर शेयर का दाम 1 रुपए, इस तरह से मेरे पास टोटल 100 रुपए की एक कंपनी है। अगर मुझे अपनी कंपनी के एक्सपेंशन के लिए कुछ पैसे चाहिए तो सबसे पहले मैं जाता हूं बैंक के पास में और मैं कहता हूं कि मुझे लोन चाहिए, और बैंक मना कर देता है, कहता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम आपको लोन दे सकें। इसके बाद मैं जाता हूं NSE के पास और मैं कहता हूं कि क्या मैं अपनी कंपनी को आपके एक्सचेंज में लिस्ट करके पब्लिक से कुछ पैसा ले सकता हूं। NSE कहती है बिल्कुल, आपके पास में 100 शेयर हैं, मालिकाना हक पूरी कंपनी पर 100% आपका है, आप ऐसा कीजिए अपने 100 शेयर में से 40 शेयर हमें दे दीजिए, हर शेयर का दाम 1-1 रुपए रख लीजिए, हम ये 40 शेयर 40 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पब्लिक में IPO के जरिए, इनिशियल पब्लिक ऑफर के जरिए। 40 लोग, हर एक एक आदमी एक एक शेयर खरीद लेगा 1-1 रुपए के हिसाब से और आपको 40 रुपए मिल जाएंगे। ये है बेसिकली इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसके तहत किसी भी कंपनी को लिस्ट किया जाता है एक्सचेंजेस के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, 100 शेयर्स में से 60 शेयर अपने पास में रख लेता हूँ, 40 शेयर NSE में दे देता हूँ, 40 अलग अलग लोगों को ये शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं 1-1 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से और मेरे हाथ में आते हैं 40 रुपए। ये 40 रुपए जो मुझे एक एक्सचेंज से मिले हैं, इन 40 रुपयों को ही असल में कहते हैं शेयर कैपिटल। दैट्स इट। इस टॉपिक में हम इससे ज़्यादा और कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा जब आप इसे और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तब आप कुछ और चीज़ों के बारे में भी जानेंगे, जैसे कि शेयर कैपिटल्स भी दो तरह की, प्रिफर्ड शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल, बट आज हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ टोटल शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब है टोटल शेयर कैपिटल बेसिकली एक लायबिलिटी के तौर पर है, एक जिम्मेदारी है कंपनी के ओनर के पास। क्या? कि जब कभी भी ये कंपनी बंद की जाएगी तो जो ये शेयर कैपिटल है ये असल में उसे वापस करनी होगी उन लोगों को जिन्होंने आपकी कंपनी के शेयर खरीदे हैं और बाद में आपको उनसे अपनी कंपनी के शेयर्स वापस करने हैं। सो ये समझ में आ गया आपको कि 100 रुपए की कंपनी के 40 शेयर मैंने 1-1 रुपए के हिसाब से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए पब्लिक को दिए और पब्लिक से जो 40 रुपए वापस ले लिए, ये कहलाता है शेयर कैपिटल। अब है यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली चीज जो आप लोगों को बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। क्या? किसी भी कंपनी का जो टोटल शेयर कैपिटल है ये आपको मिलता कहां है? मनी कंट्रोल वेबसाइट जब आप खोलेंगे, इसके टॉप पर जो सर्च बॉक्स है यहां पर आप किसी भी कंपनी का नाम डालिए, जैसे कि बाटा इंडिया। ओके, फर्स्ट पेज जो आएगा ये होगा आपका ओवरव्यू। इसके बाद फाइनेंशियल्स में जाइए, फाइनेंशियल्स में सेलेक्ट कीजिए ओल्ड फॉर्मेट, क्योंकि हमने आमतौर पर ओल्ड फॉर्मेट से ही किया है इस वजह से। ठीक, ओल्ड फॉर्मेट का सबसे टॉप हिस्सा ये कहलाता है टोटल शेयर कैपिटल। ओके, ये है टोटल शेयर कैपिटल। नाउ हमारे लिए मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कुछ, कुल मिलाकर 3। सबसे पहला,
टोटल शेयर कैपिटल का हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है। तो टोटल शेयर कैपिटल की दो मुख्य तरीके होते हैं जिससे टोटल शेयर कैपिटल के अंदर चेंजेस आते हैं। क्या साल दर साल टोटल शेयर कैपिटल बढ़ती रहती है, कभी कभी घटती मिलती है, कभी कभी स्टैटिक मिलती है। तीनों ही परिस्थितियों का मतलब क्या है और तीनों ही परिस्थितियों में ये क्या संकेत दे रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो ध्यान से सुनिए, सेम वही मैं हूँ, सेम वही मेरी कंपनी है, 60 शेयर मेरे पास और 40 शेयरों के इंडिविजुअल पब्लिक को मैंने दे रखे हैं और 40 रुपए की मेरे पास में शेयर कैपिटल है टोटल। मिसाल के लिए एक साल मैंने 40 शेयर जब दे दिए तो मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई 40 रुपए। अगले साल मैं अपने 10 शेयर और बेच देता हूँ पब्लिक को, शेयर कैपिटल हो गई मेरी 50 रुपए। अगले साल 10 शेयर और बेच देता हूँ, शेयर कैपिटल हो गई 60 रुपए। और जो मेरी पर्सनल कैपेसिटी में शेयर थे पहले 60, वो कम हो जाते हैं 50। अगले साल मैं 10 और पब्लिक को दे देता हूँ तो मेरे पर्सनल बचे 40। अगले साल मैं 10 और पब्लिक को दे देता रहूँ, मेरे पर्सनल बचे 20। अगले साल मैं 10 और दे दे रहा हूँ, मेरे पर्सनल बचे 10। यानी मैं अपनी पोजीशंस धीरे धीरे लिक्विडेट करता जा रहा हूँ, अपने शेयर्स धीरे धीरे बेचता जा रहा हूँ और साल दर साल आपको शेयर कैपिटल लगातार बढ़ती हुई मिल रही है। आपको करना यह है कि जाना है कमेंट बॉक्स के अंदर और ये बताना है कि अगर साल दर साल किसी कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ रही है लगातार तो इसके क्या मायने हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ या वीकनेसेस में से बढ़ती हुई शेयर कैपिटल क्या सूचित कर रही है। अभी हम फ्रेंड्स इस बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि शेयर स्प्लिट हो रहा है या बोनस शेयर इशू हो रहा है, कुछ भी नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर शेयर कैपिटल बढ़ रही है लेमैन लैंग्वेज में बिल्कुल, और जो कंपनी का प्रमोटर है वो अपने शेयर्स लिक्विडेट करता जा रहा है तो इसके क्या मायने हैं। पहला, दूसरी इन्फॉर्मेशन, मैं सेम वही हूँ, मैंने 40 शेयर अपने IPO के जरिए पब्लिक को दिए, 60 शेयर मेरे पास में हैं। सेकंड सिचुएशन, अगले साल जो 40 शेयर मेरे पास में थे और 40 रुपए मुझे पब्लिक से मिले थे, उन 40 रुपयों से मैंने एक नई कंपनी खोली, उस कंपनी ने बढ़िया प्रॉफिट दिया, मेरे पास में कैश आ गया अच्छा खासा। अब मैं इस साल क्या करता हूँ कि पब्लिक को जो मैंने 40 शेयर दिए थे, मैं पब्लिक से कहता हूँ कि मेरे पास कैश बहुत ज़्यादा आ गया है और कंपनी पर मुझे भरोसा भी है, तो मैं 40 शेयरों में से 10 शेयर बायबैक कर लूँगा और मैं बायबैक का ऑफ़र देता हूँ कंपनी को कि आपने एक एक रुपए पर शेयर खरीदा था, मैं आपको 1.5-1.5 रुपए पर शेयर आपसे वापस खरीदने के तैयार हूँ और मैं बायबैक का ऑफ़र कर रहा हूँ। और पहले साल मैं मार्केट में अवेलेबल 40 शेयरों में से 10 शेयर खरीद लेता हूँ और मेरे कुल शेयर हो जाते हैं 70 और मेरी मार्केट जो इक्विटी कैपिटल थी वो 40 से घटकर 30 रह जाती है। इसके अगले साल मैं फिर से मार्केट में बायबैक करता हूँ और 30 शेयर जो बचे थे उसमें से 10 और खरीद लेता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल और कम हो गई, मेरा टोटल शेयर कैपिटल थी वो और कम हो गई। अगले साल बचे हुए 20 में से मैं 10 और खरीद लेता हूँ, यानी कि साल दर साल मेरी टोटल शेयर कैपिटल घटती जा रही है। ये चीज़ क्या साबित कर रही है किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ या वीकनेस के बारे में, इस संबंध में कमेंट बॉक्स में जाइए और आंसर दीजिए। थोड़ा सा वक्त लगाइए, ध्यान दीजिए कि किसी कंपनी की शेयर कैपिटल अगर लगातार बढ़ती जा रही है तो इसका क्या फर्क है, और अगर किसी कंपनी की शेयर कैपिटल लगातार घटती जा रही है तो इसका क्या फर्क है। अब लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको समझा देता हूं कि इन दोनों का फर्क क्या है। बेसिकली किसी भी कंपनी की शेयर कैपिटल बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में अगर लगातार बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो अपने शेयर्स मार्केट में और बेचते जा रहे हैं। मार्केट में शेयर कौन बेचता है अपनी कंपनी के? सबसे पहला, अगर कंपनी में किसी तरह की वित्तीय प्रॉब्लम है, कंपनी को और ज़्यादा धन चाहिए अपने आप को चलाने के लिए या अपने एक्सपेंशन के लिए, इसका मतलब है कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए कंपनी के शेयर कैपिटल बढ़ती जा रही है, इसका मतलब कंपनी में वीकनेस है। सेकेंड, अगर कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ रही है और कंपनी के प्रमोटर्स लगातार कंपनी के शेयर मार्केट में बेचते जा रहे हैं या बार बार शेयर्स लिक्विडेट किए जा रहे हैं, बार बार शेयर कैपिटल बढ़ाई जा रही है और ज़्यादा शेयर्स मार्केट में बेचे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी के ओनर को कंपनी पर ज़्यादा भरोसा नहीं रह गया है। इसका मतलब कंपनी में कुछ न कुछ इशू ज़रूर है, आपको बैलेंस शीट को थोड़ा सा और डिग डीप करना चाहिए। दो, यानी अगर कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ रही है तो सावधान होकर कंपनी की बैलेंस शीट को अच्छे से पढ़िए, ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव खबर है। सेकंड, अगर कंपनी के ओनर्स प्रमोटर्स बार बार बायबैक का ऑफर लाते हैं और मार्केट से कंपनी के शेयर्स बायबैक करते रहते हैं, वो भी करंट मार्केट से हायर प्राइस पर अगर बायबैक लगातार चल रहा है कंपनी का, तो ऐसी कंपनी का मतलब है कि कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ अच्छी है,
कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, प्रमोटर्स ओनर्स को कंपनी पर भरोसा है और इसलिए वो लगातार बायबैक कर रहे हैं, उनके पास कैश अच्छा खासा अवेलेबल है। ये हमेशा कंपनी की स्ट्रेंथ को दर्शाता है, कंपनी के बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन को दर्शाता है। और अब कुछ एक एग्जांपल्स हम देख लेते हैं जहां की आपको कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर होने वाले ये चेंजेस आपको ठीक आपके सामने दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल बाटा, ज़रा ध्यान से देखिए, एक बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जो आउट परफॉर्म कर रही है करंटली गिरते हुए मार्केट को। टोटल शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट स्टैटिक रहती है पिछले 5 सालों में, 64 करोड़ 26 लाख रुपए। किसी तरह का कोई और फर्दर लिक्विडेशन नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं इनके अंदर दो तरह के ट्रेंड देखे जाते हैं। एक, या तो शेयर कैपिटल स्टैटिक रहेगी, घटे बढ़ेगी नहीं, या शेयर कैपिटल घटेगी, बढ़ती बहुत कम है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स के अंदर। एक दूसरा, रिलायंस कम्युनिकेशन फंडामेंटली घटिया शेयर है, आपको पता है पूरी तरह से हालत खराब है। और टोटल शेयर कैपिटल को ध्यान से देखिए, 1244 करोड़ 1383 करोड़ टोटल शेयर कैपिटल के अंदर इजाफा। सुजलॉन एनर्जी ध्यान से देखिए, 497 करोड़ 741 करोड़ 1004 करोड़ 1063 करोड़, लगातार बढ़ता हुआ शेयर कैपिटल और कंपनी की खराब वित्तीय हालत को दर्शाता है। इन्फोसिस ध्यान से देखिएगा, 574 करोड़ 1148 करोड़ और ये यहाँ बढ़कर 2178 करोड़। इस वजह से यहाँ भ्रामक होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भ्रम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आपको ये नहीं बताती कि कंपनी फंडामेंटली अच्छी है या नहीं। टोटल शेयर कैपिटल बढ़ रही है बट इन्फोसिस फिर भी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो इसके कुछ और रीजंस हैं, वो रीज़न हम आने वाले जो वीडियोस हैं उनके अंदर जानेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना जानिए कि कंपनी की शेयर कैपिटल अगर स्टैटिक है यानी रुकी हुई है एक जगह, या फिर धीरे धीरे घट रही है, तो ये कंपनी की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। सेकंड, अगर कंपनी की शेयर कैपिटल धीरे धीरे साल दर साल बढ़ रही है तो ये कंपनी की वीकनेसेस को दर्शाता है। कभी भी किसी भी शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करते समय उसकी टोटल शेयर कैपिटल पर ध्यान ज़रूर दीजिए। शेयर कैपिटल वो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको किसी भी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते समय ध्यान में रखनी ही चाहिए, जो आपको कंपनी के बारे में डिग डीप और इनसाइडर इन्फॉर्मेशन देता है। ओके फ्रेंड्स, सो उम्मीद है आज का जो ये सेशन है ये न सिर्फ आपको पसंद आया होगा बल्कि आपके लिए भविष्य में प्रॉफिटेबल भी होगा। आज के इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अब आप हमारी मदद भी कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर, साथ ही आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए। शेयर एकेडमी एक ईमानदार कोशिश है नॉलेज शेयरिंग की। मार्केट में चल रहे लाखों रुपए के सेमिनार में दिया जाने वाला नॉलेज हम यहां पर आपके साथ फ्री में शेयर करते हैं। सो जुड़े रहिए शेयर एकेडमी के साथ और हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, दैट मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।